Hey, my dear learners, how are you all? Welcome back to your very own channel, Smart Learner Hub. In today's video, we are going to cover some important and very, very main points of class 8 chapter, Combustion and Flame. So, without wasting time, let's get started. What is combustion? What yeah, is combustion? Kya hota hai? कम्बर्शन एक तरह का क्या है केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है इसको क्या कहते हैं हम कंबर्शन द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल वेयर इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू क्रिएट हीट एंड लाइट ओके स्टूडेंट्स और इसका क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं हम बर्निंग ऑफ वुड कोई अगर लकड़ी जल रही है तो ये एग्जाम्पल है कंबर्जन का बाय कम्बर्जन वी सिंपली मीन बर्निंग मतलब कोई चीज़ जल रही है तो हम इसको कहेंगे कि कंबर्जन हो रहा है और ये एक तरह का केमिकल चेंज है हम कोई चीज़ को जब जलाते हैं वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है और उसी को हम कंबर्जन कहते हैं फ्यूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम्बस्टाइल होते हैं और लाइट निकलती है कम्बर्जन के जब कम्बर्जन होता है कम्बर्जन जो है अम, कभी कभी फ्लेम के फॉर्म में होता है या फिर ग्लो की फॉर्म में होता है और हर चीज़ को एक टेम्परेचर पर्टिकुलर एक टेम्परेचर चाहिए होता है बर्निंग के लिए और जो वो बर्निंग टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं इग्निशियन टेम्परेचर द लोएस्ट टेम्परेचर हैचवे a substance catch fire the lowest temperature at temperature. which a combustible substance when heated take fire in air and continue to burn called also autogenous ignition temperature usko kya ke autogenous in relation to this now we will discuss about two types of substances flammable or inflammable inflammable substances are those substances विच हैव वेरी लो इग्निशियन टेम्परेचर जिन सब्सटेंसेस का जो होता है बहुत कम उनका इग्निशियन टेम्परेचर होता है इगनीशियन जै टेम्परेचर हमने अभी क्या पढ़ा था वो जो है लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर स्पॉन्टेनियस कंबर्शन हो सकता है और किसी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं होती है अब ये स्पॉन्टेनियस और ऑटो इग्निशन पॉइंट क्या होते हैं अभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि जब हम लोग गैस स्टोव को ऑन करते हैं तो जो गैस होती है वो एकदम रैपिडली जल जाती है और हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करती है तो ये तो हो गया रैपिड कम्बर्जन और जो कम्बर्शन होता है जिसमें कोई भी मटेरियल एकदम ऑल अ सडन बर्न कर जाता है फ्लेम में और जिसके जिसमें ना कोई बाहर की फोर्स अपेरेंट कॉज की ज़रूरत नहीं होती उसको हम कहते हैंस कम्बर्जन इसका एग्जांपल है फोर्सफो नेक्स्ट हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में आपने कोई कैंडल को कभी जला के देखा है तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप की जोन्स नज़र आती हैं अलग अलग तरह की उसमें तीन तरह की लाइटें जल रही होती हैं जो एक स्ट्रक्चर होता है फ्लेम का जो उसका हॉटेस्ट पार्ट है वो ऊपर की तरफ होता है वो होता है नॉन लिमिनस पार्ट और जो मिडिल येलो पोर्शन होता है वो जो है मॉडरेटली हॉट होता है मतलब थोड़ा कम गर्म होता है और वो किस कलर का होता है वो येलो कलर का होता है और ऊपर वाला जो होता है वो ब्लू कलर में होता है और जो तीसरा वाला जो सबसे अंदर होता है इनर मोस्ट अनबर्न वैक्स जो ब्लैक कलर में होता है वो सबसे सबसे कम गर्म होता है वो लीस्ट हॉट होता है सेंटर का पार्ट जो है वो लाइट बहुत दे रहा है उस पार्ट को हम ल्यूमिनस पार्ट कहेंगे जो कि कम गरम होता है द सब्सटेंसेस विच वेपर ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स जो सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो जिसमें से भाप निकलती है जलने के टाइम पे उसमें क्या होता है वो फ्लेम बनाते हैं एग्ज़ाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स अब हम पढ़ेंगे वॉट इज़ फ्यूल तो फ्यूल क्या होता है जो फ्यूल आजकल की ज़िंदगी में बहुत हमारे काम की चीज़ है तो फ्यूल एक वैसी चीज़ है जो कि हमारे काम आती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए गुड फ्यूल इज़ रेडीली अवेलेबल गुड फ्यूल जो होता है वो आसानी से मिले वो कम पैसों में मिले और वो आसानी से जले एयर के एयर की मौजूदगी में सही टेम्परेचर पे और वो उससे एक अच्छी अमाउंट में हीट रिलीज़ होनी चाहिए और उसके साथ कभी भी कोई रेसिड्यू या फिर अनडिज़ायर सब्सटेंस नहीं बचना चाहिए माय डियर स्टूडेंट देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म इन योर चैप्टर कैलरिफिक वैल्यू इट कैन बी डिपेंड एज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन वन कैल फॉर द कम्प्लीट कम्बर्जन ऑफ वन के जी ऑफ फ्यूल यानी एक किलो फ्यूल को बर्न करने में कितनी हीट रिलीज हुई है वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही अच्छा और इफ़िशियंट हमारा फ्यूल होगा इट इज एनर्जी रिलीज पर के जी ऑफ द फ्यूल I hope you like this video. If there is any confusion, you can ask me in the comment section. You can also follow me on my other account. You can follow me on Instagram at smartlearnerhub two two five. Please like, share, and subscribe my channel. Thanks.